चाहती हूँ ठीक होके भी वो चल के जाए। क्या जो आरोप लग रहे वो सही है? आरोप का मुझे नहीं पता, जैसा मेरी मम्मा ने बताया उसके हिसाब से वो अनकॉन्शियस है, इस वजह से उसने ऐसा बोला। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, कल पटना के पारस अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित महिला मरीज के साथ दरिंदगी हुई। अस्पताल के ही ICU वार्ड में महिला भर्ती थी और अस्पताल के कर्मचारियों पर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। महिला का बयान रिकॉर्ड कर जब उसकी बेटी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो खलबली मच गई है। बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है, पुलिस जांच करने पहुंची। हालांकि अब तक गैंगरेप या फिर रेप की पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच पीड़ित महिला की बेटी सामने आई है जिसने इस घटना की आप बीती बताई है। बताया है कि जब वो अस्पताल से बाहर गई थी थोड़ी देर के लिए, इसी बीच महिला के साथ अस्पताल के कर्मचारियों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही आरोप भी लगाए हैं पटना के पारस अस्पताल पर। क्या कुछ कह रही है जरा आप सुनिए। बोलिए क्या हुआ था, क्या हुआ था, बताइए आपके साथ, आपको इंसाफ मिलेगा, बोलिए क्या हुआ था। क्या कुछ क्या जो आरोप लग रहे वो सही है? आरोप का मुझे नहीं पता, जैसा मेरी मम्मा ने बताया उसके हिसाब से वो अनकॉन्शियस है, इस वजह से उसने ऐसा बोला। मम्मा जब ठीक हो जाएगी तो मैं चाहती हूँ पारस हॉस्पिटल में, तो ये बहुत बड़ा क्लेम है इतने बड़े हॉस्पिटल पे, तो पारस हॉस्पिटल की पूरी टीम हेल्प करे मेरी मम्मा को जल्दी से जल्दी रिकवर करने का। उसका सीटी वैल्यू भी अभी 10/25 है जो कि बहुत ज्यादा नहीं, पर वो भी वेंटिलेटर पे। मैं चाहती हूँ मम्मा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो खुद ये स्टेटमेंट दे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये विक्टिम मैं नहीं हूँ। विक्टिम अगर विक्टिम है वो स्टेटमेंट के साथ साथ अगर वो विक्टिम है तो वो मेरी मम्मी से। आपने फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें कहा था जो मम्मी ये आपने ले चुके हैं पारस अस्पताल, आपसे अब तक कितना ले चुका है पेमेंट ये कितना हुआ आप बताइए। अच्छा 2 लाख लिया है फिर ये सुधार नहीं हुआ है, 2 लाख लिया है आप पर किसी का दबाव है, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का दबाव? तो पटना के पारस अस्पताल में बड़ी दरिंदगी हुई है कोरोना संक्रमित महिला मरीज के साथ है। पटना के बड़े अस्पतालों में एक है पटना का पारस अस्पताल, जहां कोरोना संक्रमित महिला मरीज के साथ अस्पताल के कर्मचारियों ने ही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और खुद पीड़ित महिला की बेटी सामने आई है, अस्पताल पर आरोप लगाया है, माँ के लिए न्याय की मांग की और साथ ही ये भी कहा है कि माँ को भी बचाना है, अस्पताल पर आरोप लगाए हैं कई गंभीर। देखना भी होगा पुलिस कब तक इस मामले की जांच करती है और अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद। ये आपने ले चुके हैं पारस अस्पताल, आपसे अब तक कितना ले चुका है पेमेंट ये कितना हुआ है बताइए। अच्छा 2 लाख लिया है फिर ये सुधार नहीं हुआ है, 2 लाख लिया है आप पर किसी का दबाव है, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का दबाव से आप डर रही हैं क्या?